एक काफ़ी फेमस किताब है सेपियंस, आप लोगों ने भी इसका नाम ज़रूर सुना होगा। इस बुक में जितनी भी बातें लिखी हैं वो मोस्टली पब्लिक ओपिनियंस के ऊपर बेस्ड हैं, तो आज देखते हैं कि पब्लिक ओपिनियंस क्या होते हैं इस वीडियो में। हम लोगों से कॉन्स्टेंटली हमारे ओपिनियंस के बारे में पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है इस साल IPL में कौन सी टीम जीतेगी, आप अगले साल इलेक्शन में किस इंसान को वोट करेंगे, मेट गाला में सबसे सुंदर आपको कौन लगा, कौन सबसे अच्छे से ड्रेस होके आया था। सो वी आर कॉन्स्टेंटली आस्ड अबाउट अवर ओपिनियंस ऑन एवरी थिंग। पब्लिक ओपिनियन पोल हर जगह है और गवर्नमेंट भी इसका बहुत यूज़ करती है, और गवर्नमेंट कई डिसीजन सिर्फ इसी बेसिस पर लेती है कि पब्लिक इससे क्या रिएक्ट करेगी और इसके बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, भले ही एक बार को वो फाइनेंशियल और हिस्टोरिकल फैक्ट्स को साइड रख दें और पब्लिक ओपिनियन के बारे में कंसिडर करती हैं कि इससे क्या साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं। तो वी आर कॉन्स्टेंटली आस्ड अबाउट अवर ओपिनियंस, बट पब्लिक ओपिनियन से जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम हैं जिसके बारे में मैं आज अपनी इस वीडियो में बात करूँगा। नंबर वन, इट इज़ंट ईजी टू ट्रैक एंड ऑफन टाइम इट इज़ंट इवन राइट। और मैं आपको इसके कई सारे एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, जैसे 2019 में IPL के फाइनल मैच में 80% लोगों ने ये प्रिडिक्ट किया था कि CSK MI को हरा के जीत जाएगी, जबकि MI ने CSK को हरा दिया। और आपको अगर एक रीसेंट पॉलिटिकल एग्जाम्पल चाहिए तो आप 2 मई 2021 को हुए बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, जहाँ पर हमारी मीडिया कह रही थी कि BJP की 200+ सीट्स आएंगी, जबकि TMC की 200+ सीट्स आ गई। पब्लिक ओपिनियंस के रिजल्ट गलत होते रहते हैं ऑल द टाइम, बट सवाल ये है वाई आर दे रॉन्ग एंड वाई डू वी कीप यूजिंग दम। इस सवाल के आंसर को समझने के लिए सबसे पहले आपको सैम्पल का मतलब जानना जरूरी है। गूगल के अकॉर्डिंग अ सैम्पल इज अ स्मॉल नंबर ऑफ people/item दैट इज लुकड एट टू फाइंड आउट वॉट द रेस्ट इज लाइक। सीधी भाषा में सैम्पल वो लोग हैं जो एक सर्वे का पार्ट है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकें कि जो पब्लिक है वो क्या सोचती है। बट सैम्पल्स कैन बी रॉन्ग इन अ फ्यू की वेज। नंबर वन, इट कैन बी टू स्मॉल। नंबर टू, इट कैन बी टू नैरो। नंबर थ्री, इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू आंसर। पोल्स विच आर टू स्मॉल आर बैड फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि हमने काफ़ी कम लोगों से पूछा है तो इसका इनएक्यूरेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। पोल्स दैट आर टू नैरो दे आस्क ओनली अ सर्टेन टाइप ऑफ पीपल आर बैड टू, क्योंकि भले ही हमने काफ़ी सारे लोगों से एक सवाल का जवाब पूछा है पर फिर भी हमें एक डायरेक्शन में पोलराइज आंसर्स ही मिले हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर ये सवाल है कि क्या फुटबॉल भारत का मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट है कि नहीं, अब अगर आप यही सवाल का जवाब सिर्फ असम के लोगों से पूछें जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स के प्लेयर निकले और वहाँ पे स्पोर्ट्स में फुटबॉल बहुत ही प्रेवलेंट गेम है, तो काफ़ी सारे लोग आपको हाँ का जवाब दे देंगे। पर हम सबको ये इसका जवाब तो पता ही है कि इंडिया में क्रिकेट से ज़्यादा पॉपुलर कोई भी गेम नहीं है। किसी भी सैम्पल के करेक्ट होने के लिए उसमें डाइवर्सिटी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर एज ग्रुप, जेंडर, रेस और ज्योग्राफिकल डिफरेंस वाले लोगों का ओपिनियन भी ध्यान में रखा जाए। Finally, polls that are difficult are of no use too. Do you think storing an electrochemical cell in kerosene oil enhances its effectivity or not? In जैसे public opinions का जो result है वो एकदम ही pointless आता है। हम जिन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं ज़रूरी नहीं है सिर्फ वही बायस क्रिएट करें, जो इंसान सवाल पूछ रहा है वो भी बायस क्रिएट कर सकता है। एंड दिस लीड्स अस टू अवर नेक्स्ट सेगमेंट कॉल्ड इंटरव्यूअर बायस। कोई भी इंसान अपने ओपिनियन रखने से पहले ये ज़रूर सोचता है कि क्या उसके जो ओपिनियंस है वो सोशली एक्सेप्टेबल हैं या नहीं है, क्या उसके जो ओपिनियंस है उसे सोशली डिस्क्रेडिट तो नहीं किया जाएगा। और इसी चक्कर में लोग अपने ऑनेस्ट ओपिनियन को देने की जगह कई बार एक बहुत डिप्लोमेटिक आंसर दे देते हैं, जिससे शायद वो खुद ही एग्री ना करें और काफ़ी हिपोक्रिटिकल बिहेवियर आगे अपना शो करें कि वो बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। एक और बहुत ही क्लेवर वे होता है लोगों के ओपिनियंस को मैनिपुलेट करने का, विच इज कॉल्ड लोडेड क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल, Can Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians in their next match? This is a completely fair question. Can Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians in their next match? I don't think so, because they Kolkata lost its last two matches against Mumbai. What do you think?
और अभी जो आपने देखा इसे कहते हैं एक लोडेड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें पहले से ही एक आंसर फिक्स्ड है, तो आपको उस आंसर की तरफ लीड करवा रहा है बस ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप कितना भी सर पैर लगाएं, आप इसका विरोध वाला आंसर प्रोजेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब अगर पब्लिक ओपिनियंस इतने ही गलत हैं, देन वाई आर दे स्टिल प्रेवलेंट? नंबर वन, दे आर अफोर्डेबल, क्योंकि हम उन्हें एक इलेक्शन करवाने से काफ़ी कम कॉस्ट में उनको मैनेज करके कंडक्ट करवा सकते हैं, और ये तब भी एक बेटर रिजल्ट दे सकता है। नंबर टू, इट गिव्स एन इंडिकेशन टू द पॉलिटिशियंस कि उन्हें किस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, पब्लिक को कौन से मुद्दे पसंद हैं। नंबर थ्री, इट हेल्प्स द प्रोड्यूसर टू ब्रॉडकास्ट अ सर्टेन शो और उन्हें बता दे कि वो कब ब्रॉडकास्ट किया जाना चाहिए, कब नहीं किया जाना चाहिए। नंबर फोर, जो फिल्म फेयर अवार्ड्स होते हैं और कई सारे रियलिटी शोज़ के भी जो विनर डिसाइड किए जाते हैं, वो भी आजकल पब्लिक ओपिनियन की बेसिस पे किया जाते हैं कि किसने सबसे ज़्यादा एंटरटेन किया या नहीं किया, और आजकल तो आईपीएल में भी एक मोस्ट एंटरटेनिंग प्लेयर वाला अवार्ड आ चुका है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर @mrinalrangers फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मैं भी एक पोल करने वाला हूँ कि आपको ग्रीन स्क्रीन एनिमेशन जो मैंने अभी कर रखी है या वाइट बोर्ड एनिमेशन अगली वीडियो कौन किस तरीके से प्रेजेंट करते हुए देखी जानी चाहिए, और आप बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा ये भी बताइएगा। आज की वीडियो में बहुत सारा होमवर्क देखे गया हूँ मैं, आप लोगों को सब कुछ कर देना।